तालिबानी की ओर से किसी तरीके का फतवा, किसी तरीके का रूल, किसी तरीके की बात सामने रखी गई हो कि महिलाओं को कैसे रहना है, हिजाब पहनना है नहीं पहनना है, क्या आजादी महिलाओं को मिलेगी क्या नहीं मिलेगी? क्योंकि कल के हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने सुना है कि वो कह रहे हैं कि मेडिकल में और स्कूलिंग में महिलाएं अपना हिस्सा, अपनी भागीदारी दे सकती हैं, लेकिन जब मीडिया की बात की गई, तमाम चीजों की बात की गई, तो वहां पर तालिबानियों ने बहुत घुमाया फिराया, कुछ साफ नहीं किया। हाँ, कल मुजाहिद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस था काबुल में, और उन्हें बताया है कि उनका राज देगा, मगर वो लोग काम कर सकती है गवर्नमेंट में, मेल के साथ काम कर सकती है, मगर एक इस्लामिक शरिया फ्रेमवर्क में, क्योंकि वो लोग चाहिए कि जाता है कि फीमेल जो है उनका हिजाब करना है और बुर्का पहनना है, मगर वो लोग बोला कि हम इस सिचुएशन में नहीं है कि इन रूल्स को एक्सप्लेन करें, मगर बाद में ये बोलते हैं कि और शायद शेयर करें लोग के साथ कि फीमेल क्या पहनना है, उनको कैसा काम करना है और कैसा ऑफिस जाना है कि किस सूट में, तो ये बात बाद में बताएगा वो लोग। इद्रीस, बातचीत करते रहिएगा, और अगर आप कैमरा पैन करके और तस्वीरें आसपास की दिखा सकते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट तस्वीरें दिखाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके जरिए दिखाई गई हर एक तस्वीर बहुत मायने रखती है, क्योंकि हर कोई इस वक्त जानना चाहता है कि वहां के हालात क्या हैं। सवाल मेरा आपसे यह है, काबुल एयरपोर्ट के बाहर काफी अफरा तफरी देखी गई थी बीते 3 से 4 दिनों के अंदर, अगर देखें जब से तालिबान ने हमला किया काबुल के अंदर, कई तस्वीरें वहां से देखने को मिली थी। अभी स्थिति एयरपोर्ट पर क्या है? क्या अभी भी लगातार भीड़ वैसे ही बनी हुई है, लोग जल्द से जल्द छोड़ देना चाहते हैं, या स्थिति अब थोड़ी सामान्य है क्योंकि अमेरिकी फौज वहां पर है? अभी भी अमेरिकन फोर्स एयरपोर्ट में है, लोग जाते हैं कि एयरपोर्ट के अंदर जाए, मगर तालिबान उनको नहीं अलाउ नहीं देते हैं, क्योंकि उनके पास पासपोर्ट वीजा और टिकट नहीं है, मगर एयरपोर्ट ऑफिसर वो ने एक न्यूज में बताया लोगों को कि आप मोहम्मद जितना संभव हो सके आप अपने आसपास की तस्वीरें भी दिखाते रहिए, अपने आसपास की तस्वीरें भी दिखाते रहिए, अपनी बातचीत भी जारी रखिए। और अब मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, अभी जिस एरिया की आप हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, चूंकि जगह जगह पेट्रोलिंग की जा रही है तालिबानी लड़ाकों की ओर से, तालिबानियों की ओर से, तो जिस एरिया पर अभी आप हैं काबुल में जहां से आप खड़े हैं इस वक्त, क्या वहां भी ऐसे ही तालिबानियों की पेट्रोलिंग इस वक्त चल रही है? अभी भी यहाँ तालिबान से, मगर तालिबान ने बताया कि हमारा आर्मी बहुत कम है, तो सब काबुल को कब्जा नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो लोग अपनी आर्मी सोल्जर्स दूसरे स्टेट्स में काबुल इनवाइट किया है कि वो लोग काबुल में आए और काबुल की सिक्योरिटी ले ले, मगर अभी भी जो आप देख रहे हैं यहाँ तालिबान तालिबान के सोल्जर्स और ऑफिसर्स नहीं है इस एरिया में। अच्छा इद्रिस, ये और जानकारी दीजिए, कार्स शायद आप देख रहे हैं, इद्रिस ये जानकारी और दीजिए, ये जो इलाका आप दिखा रहे हैं, आपने यहां पर कुछ जानकारी भी दी थी एक इवेंट यहां पर हो रहा है, दूसरा मैं ये समझना चाहूंगा कि काबुल के सड़कों पर क्या तालिबानी फौज इस वक्त खुलेआम घूम रही है, या फिर उनका सिर्फ वहां पर कहना चाहिए गश्त के तौर पर वो गुजरते हैं वहां से? हाँ सर, अभी भी उनका 3 और 4 गाड़ियां सड़क पे आया था, मगर हम बहुत सड़क से दूर है, नहीं देख सकते हैं, मगर आप जाइए तो मैं सड़क में जाऊंगा और आपको दे दूंगा। अच्छा इद्रिस, क्या आप, क्योंकि ये तस्वीर हम काफी देर से देख रहे हैं, आप आसपास और आगे बढ़कर अगर सेफ जोन में रहते हुए आगे बढ़कर और तस्वीरें दिखा सकते हैं तो जरा और तस्वीरें भी दिखाइए कि सड़कों के हाल वहां पर क्या हैं और लोगों की स्थिति क्या है। अच्छा, साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि वहां पर जो तमाम तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्योंकि अमेज़न पार्क से लेकर तमाम जगहों की तस्वीरें काफी वियर्ड टाइप की हैं, उनको लेकर क्या कहना है? जी सर, मैं अभी आपको बाहर का तस्वीरें दिखा दूंगा, क्योंकि यार मैं घर पे हूँ, ऐसा
नहीं नहीं देख सकते आप अखबार में क्या है, तो मैं बाहर जाके आपको तस्वीरें भेज दूंगा। तो मोहम्मद इदरीश के जरिए काबुल से एक्सक्लूसिव तस्वीरें।